क्लास ट्वेल्थ के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको 12 फरवरी के लिए फिजिक्स का एक सैंपल पेपर बताऊंगा। जी हाँ, ये एक प्रैक्टिस पेपर है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सेट ए, सेट बी, सेट सी और डी, चार तरह के पेपर मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। यदि आप इनको करोगे तो 100% श्योर है कि 70 में से 65 नंबर की जवाबदारी है। बढ़िया ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें मैंने समाहित किए गए हैं। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। का जो परावैद्युतांक है वो कैसा होता है? धातुओं का परावैद्युतांक जो होता है वो अनंत होता है। तो यहां पर अपन अनंत इसका एकदम राइट आंसर कर देंगे। एक तार की जो लंबाई है उस तार का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? पदार्थ पर। रीडरबर्ग नियतांक का जो मान है वो कितना होता है? तो यहां पर द ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदृश्य की फोकस दूरी से अधिक होती है। प्रकाश का व्यतिकरण में ऊर्जा ऊर्जा पुनर्वर्तित हो जाती है। विद्युत सेल स्रोत है, विद्युत सेल जो स्रोत है विद्युत ऊर्जा का। इसके बाद में यहां से देखिएगा, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का रहेगा। बढ़िया से पहला ये यहां पर है, ठीक है, दूसरा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करो आप तो, है ना, ये स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका इंग्लिश मीडियम का छठा रहेगा। अब आगे देखिए, प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की रेडियस पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर। आवृत्ति पर निर्भर करती है। चुंबकीय विद्युत तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे है, विद्युत वितरण संबंधी किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर के संरक्षण पर आधारित है? आवेश के संरक्षण पर। कला संबद्ध स्रोतों के प्रकाश तरंगों के मध्य कालांतर समय के साथ अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित रहता है। रीडरबर्ग नियतांक आर का जो मान है वो 1.097 × 10⁻⁷ और अंत का आपका देख लीजिए 10⁻¹⁹ जूल आ जाएगा। जूल तो लिखा हुआ भी है, यहां से देखिए हो गया। अवरक्त किरणें, अवरक्त जो किरणें हैं उनका जाएगा अंधेरे में फोटोग्राफी। पराबैंगनी की किरण जे डब्ल्यू रिटर। विशिष्ट प्रतिरोध रो, विशिष्ट प्रतिरोध का जाएगा 1/ ये यहां पर देख लीजिए ρ/1 एल। बायो सेवर्ट का नियम μ/4πIdl sin θ/r² RC परिपथ की प्रतिबाधा, तो ये हो जाएगी यहाँ पर, और धरातल का आपका जाएगा प्रतिघात, ये छटा जाएगा। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो। एक वाक्य में उत्तर को देखते हैं, क्या बोल रहा है? पहला ये, किस बायस में पीएन संधि डायोड का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है? ठीक है, पश्य अभिनति में, पश्य और प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए सामान्यतः कौन सी धातुएं प्रयुक्त होती है? क्षारीय धातुएं।
धातुओं में ऊर्जा अंतराल कितना होता है? तो धातुओं में जो ऊर्जा अंतराल होता है वो होता है शून्य। कैसा होता है? शून्य। सूक्ष्म तरंगों की तरंग दैर्ध्य परास लिखिए। सूक्ष्म तरंगों की तरंग दैर्ध्य परास कितनी होती है? तो 1 mn से 300 mm। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी फोकस पर रखी है, कोई अवतल मतलब एक वस्तु है वो अवतल दर्पण के फोकस पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखिए प्रतिबिंब लेंस के प्रकाशित केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा है। चलिए इसके बाद में यहाँ से अपन आगे की बात करेंगे। तो ये आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का रहेगा ये, ठीक है। अब है आपका अगला सत्य और असत्य, है ना। चलिए तो सत्य और असत्य को देखते हैं बढ़िया से। मैं तो सारी चीजें आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, बढ़िया से आप तो कंप्लीट करते जाइएगा बस, है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो सत्य असत्य में आपका ना यहाँ पर सबकी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, ये संख्या जाएगा यहाँ पर मिसप्रिंट है, संख्या समान होती है तो ये असत्य है। यदि हम आगे इसमें बात करें तो दूसरा जो है ना वो आपका असत्य बनेगा, तीसरा जो है वो सत्य रहेगा, चौथा सत्य रहेगा और पांचवा जो है आपका असत्य रहने वाला है। यहाँ पर अपन बात करेंगे, यहाँ से आप तो मेहनत करो अच्छे से बेटा, है ना। बहुत ही खास खास चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। रियल पेपर के लफड़े में मत पड़ो, अभी भी किसी के पास कोई रियल पेपर नहीं है। अच्छा मोस्ट IMP चीजें अपन बता रहे हैं ना, ठीक है भाई, करिएगा कम्प्लीट, है ना। चलिए अब इसके सोल्यूशन को अच्छे से अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो पहले आप पेपर देख लो, है ना भैया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या फिजिक्स में तो सवाल की तरह जानता रहता है, तो कंप्लीट कर भी सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिएगा। ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूँ ना कि जो 100% श्योर फंसने वाले। ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया इतना, 10 के बाद में ये क्वेश्चन नंबर 11, ये 12, 13, 14 और ये 15 हो गया भैया। 15 के बाद में यहां से हम बात करेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा वाला है। क्वेश्चन नंबर 16, ये 17, क्वेश्चन 18, ठीक है। 18 के बाद में अपन बात करेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 19 अथवा का हो गया और ये आपका क्वेश्चन 20, ठीक है भैया। तो ये मैंने आपको देख लीजिए पेपर तो पूरा बता दिया ही है ना ये। अब इसके बाद में इसका सॉल्यूशन के लिए अपन देखते हैं, है ना। यहाँ से बढ़िया से आप तो कंप्लीट करना है ना भैया। ये हम बात करें तो ये आपका क्वेश्चन नंबर मैंने 6 जो बताया था ये हो गया। यहाँ से अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का थोड़ा है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 का थोड़ा, ये क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 8 का थोड़ा, ठीक है भैया। चलिए इसके बाद में अपने यहाँ बात करेंगे तो यहाँ पर ये प्रश्न नंबर 9 है, चुंबकीय फ्लक्स क्या है? देखिए 2020 में हुआ था, रिपीट क्या होने के चांस है पूरे। वाट इन धारा इसे कहते हैं, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त है। फिर ये इसके बाद में कोई जब कोई उत्तल लेंस के समक्ष फोकस दूरी पर रखा रखी जाती है तो प्रतिबिंब बनने के लिए किरण आरेख खींचिए। ये हो गया इतना, यहां से यहां पर हो गया है, ये आपका 11वां का अथवा है, ये क्वेश्चन नंबर 12, ये 12 का अथवा, यहां से बात करेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, ठीक है भैया। इसके बाद में ये 13 का अथवा यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ से ये अनुगमन वेग और धारा घनत्व वाला है तो ये अनुगमन वेग वाला देख लीजिएगा। वैसे ये सारी चीज आती है तो ये कुंजियों का सॉल्यूशन है, इससे थोड़ा सा काम कम चलेगा। आपको जो बुक में नोट्स दिए होंगे उनसे करिएगा, है ना। थोड़ा सा गलती ये कर दी बच्चों ने कि वो नोट्स से तैयार नहीं किया, उससे कर दिया। फिर भी यहाँ पर देखिए कोई कोई ऐसे प्रश्न ऐसे की जो अपने काम कराया गया तो उनको आप कम्प्लीट कर लीजिएगा, ये सब प्रणाम हो गया है। इसके बाद में ये यहाँ से हो गया इतना सरल सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी में अंतर। फिर इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, ये यहाँ से इतना हो गया।
ट्रांसफार्मर किन किन कारणों द्वारा ऊर्जा का ह्रास किया जाता है, हो गया इतना। फिर ये क्वेश्चन नंबर 17 आपका, ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन नंबर 18 है। सेल सूक्ष्मदर्शी हो गया ये, इतना हो गया है। फिर इसके बाद में यहाँ से ये हो गया है, ये क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, पीएन संधि डायोड। ठीक है भैया, तो ये मैंने आपको सेट ए का सॉल्यूशन दे लिया है। ठीक है, बेहतरीन सा प्रैक्टिस पेपर बता रहा हूँ, कोई रियल पेपर नहीं है, मैंने बार बार वीडियो में बताया है, फिर भी देखना कई बच्चे ना कमेंट करेंगे ये रियल नहीं है, फर्जी है। तो फर्जी नहीं है भैया, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट को द्वारा आपके लिए प्रैक्टिस सेट तैयार करें।